फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति शर्मा और प्रीति शर्मा व्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज मैं फिर से करने वाली हूँ मेकअप लुक क्रिएट, और यहाँ पे आज मैं कर रही हूँ विंटर मेकअप लुक, विंटर ग्लोई ड्यूई मेकअप यहाँ पर मैं करूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लिया है टोनर और मॉइस्चराइजर लगा के, और यहाँ पर ये है शुगर पॉप का लिप बाम, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लिप बाम है। इसके बाद विंटर है तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ गुड वाइब्स का, ये है फेशियल ऑयल, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फेशियल ऑयल है और बहुत ही एफोर्डेबल प्राइस में आप लोगों को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे मैं लगा लूँगी प्राइमर, यह फेसिस कनाडा का प्राइमर, काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्राइमर है जिससे कि आपका जो मेकअप का बेस होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और लॉन्ग लास्टिंग रहता है आपका मेकअप। इसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ आज फेसिस कनाडा का फाउंडेशन, ये मैंने काफ़ी टाइम से मंगवा के रखा था बट मैं यूज़ नहीं कर रही थी, तो मुझे लगा चलो आज इस फाउंडेशन को हम लोग ट्राई करेंगे। तो फेसिस कनाडा का फाउंडेशन वेटलेस मेट फिनिश फाउंडेशन है, ये एंटी एजिंग नेचुरल एक्सट्रैक्ट और ये 18 ml का छोटा सा फाउंडेशन है। ये मुझे लगा कि पहले मैं इसको ट्राई करूँगी उसके बाद ही बड़ा मंगवाऊँगी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये वाला फाउंडेशन है और एकदम ब्लेंड हो गया इजीली और फुल कवरेज फाउंडेशन है और इसका कोई शेड नहीं है, ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद मैंने अपने आईज़ पे पूरा अंडर आईज़ पे सारा मैंने उसमें कंसीलर वगैरह अप्लाई कर लिया है, और इसके बाद यहाँ पर मैं वेट एंड वाइल्ड की किट से जो मेरी ब्राउज है उनको मैं फिल कर लूँगी अच्छे से। इसके बाद हम लूज़ पाउडर से अपने पूरे जो फाउंडेशन है उसको भी अच्छे से सेट कर लेंगे पूरा आइस के ऊपर और पूरा फॉरहेड वगैरह पे अच्छे से आपको लूज़ पाउडर लगा लेना है। इसके बाद अब हम लोग करेंगे अपने आइस का मेकअप, तो यहाँ पे मैंने एक हल्का सा लाइट ऑरेंज कलर ले लिया है जिससे मैं अपने पूरे आइस पर अच्छे से लगा लूँगी। पहले हम इसे पूरे अपने आइस पर लगा लेंगे अच्छे से, लाइट ऑरेंज कलर है ये। इसके बाद अब मैंने यहाँ पे ये लिया है काजल, ये है मेरे पास शुगर का काजल, इससे मैं जो मेरा आईज़ का जो आउटर कॉर्नर है वहाँ पे मैं एक लाइन बना लूँगी, थोड़ा सा ब्लैक मैं यहाँ पे ब्लैक कलर दूँगी क्योंकि मेरी जो ड्रेस है आप लोग देख सकते हैं उसमें मेरा ब्लैक कलर ज़्यादा है, तो आउटर कॉर्नर पर हम लोग इस तरीके से ब्लैक आउटलाइन कर लेंगे, ब्लैक कलर से हम इसको हाफ कवर कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से मैं इसको कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये ले लिया मैंने ग्रीन कलर, इसके बाद इसी के ऊपर सेंटर में मैं ग्रीन कलर अप्लाई करूँगी ब्रश की हेल्प से, आप लोग देख सकते हैं सिर्फ ओनली सेंटर में अप्लाई करना है, पूरे में अप्लाई नहीं करना है, जहाँ पे हमने ब्लैक कलर छोड़ा था वहीं पे हम लोग उसके आगे से ग्रीन कलर करेंगे। उसके बाद इनर कॉर्नर से हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ग्लिटर, ये है मेरे पास लिक्विड ग्लिटर, इनर कॉर्नर से हम लोग ग्लिटर अप्लाई करेंगे और इसको हम हाफ तक पूरा ले जाएंगे। इसके बाद दूसरे ब्रश की हेल्प से मैं इसको पूरे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि जो ग्लिटर है वो मेरे पूरे आईज़ पे फैल जाए और पूरे ग्रीन कलर के ऊपर भी आ जाए, ब्लैक पे भी आ जाए, तो उसको मैंने अच्छे से कर लिया है। उसके बाद लास्ट में मैंने फिर से हार्श लाइन ना दिखी इसलिए मैंने फिर से ऑरेंज कलर को एक बार अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अब मैं यहाँ पर मैंने अपने आईज़ पर काजल लगा लिया है, शुगर का काजल है, और आईज़ के आउटर लाइन पर भी मैं यहाँ पर लगा लूँगी थोड़ा सा ग्लिटर मैंने लगा लिया है। और अब मैं लगा रही हूँ फेसिस कनाडा का, ये है मस्कारा, आज मैं फॉल्स लैशेस नहीं लगाऊँगी, तो आज मैं इस मेकअप को बहुत ही सिंपल रखने वाली हूँ, सिंपल ही आईज़ आप लोगों को मेरी दिखने वाली हैं। तो इसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ब्लशर, यहाँ पे मैंने पहले से कंटूरिंग कर ली है, थोड़ी सी कंटूरिंग कर ली है, ब्राउन कलर है इसमें, और उसके बाद मैं यहाँ पे पिंक कलर मैंने ले लिया है लाइट पिंक कलर, और उससे मैं यहाँ पे थोड़ा ब्लशर लगा लूँगी। अपनी सिंपल मेकअप करेंगे, बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप मैं नहीं करने वाली हूँ, बट मैंने जो आईज़ का मेकअप था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर लिया है ड्रेस के अकॉर्डिंगली। और उसके बाद यहाँ पर मैं लगा लूँगी अपने चीक बोन्स पे, ब्राउज बोन्स पे, हर जगह यहाँ पे मैं हाइलाइटर लगा लूँगी क्योंकि हाइलाइटर जो होता है काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा लुक दे देता है आपके मेकअप को। इसके बाद यहाँ पे मैं अप्लाई कर लूँगी आईलाइनर, मैं अप्लाई कर रही हूँ यह है शुगर का, मैं लगाना नहीं चाह रही थी क्योंकि ऑलमोस्ट ब्लैक कलर था मेरी पूरी आईज़ पे, बट मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा लगा के देख लेते हैं कैसा लुक आएगा, तो मैंने आईलाइनर भी लगा लिया है, बहुत ज़्यादा विंग मैंने आईलाइनर नहीं लगाया है। इसके बाद यहाँ पर ये थी मामा अर्थ की लिपस्टिक, काफ़ी अच्छा शेड है और उसको मैंने लगा लिया है। उसके बाद ये दूसरी मैं लगा रही हूँ ऊपर से नायका की लिपस्टिक, काफ़ी अच्छे शेड हैं, दोनों लाइट शेड हैं आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा फाइनल लुक विंटर ग्लोई ड्यूई मेकअप, आई होप कि आप लोगों को मेरा मेकअप लुक बहुत पसंद आएगा। अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को आज का मेरा मेकअप लुक कैसा लगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।